अच्छे से होंगे। ठीक है, लास्ट टॉपिक बेटा हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट मैंने आपको लैपलास से कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, कुछ प्रॉपर्टीज प्रूव करवाई थी, कुछ बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन करवाए थे। आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म, मतलब कि लैपलास का ही सेकेंड फॉर्म है। आपने जो भी लैपलास में क्वेश्चन या प्रॉपर्टीज कम्प्लीट करी थी, प्रूव करी थी, उसी का आपको इनवर्स में कन्वर्जन, मतलब उसको इनवर्स में चेंज करके आपको सॉल्व करना। तो सेम रहेंगे आपके फॉर्मूले, थोड़ा सा इंटरचेंज होता है। इनवर्स मतलब ये होता था कि अभी तक अपन क्या करते थे कि अपन को टी में क्वेश्चन दिया रहता था, तो अपन उसका ट्रांसफॉर्म करते थे एस में। अब आपका उल्टा होगा, आपको एस में क्वेश्चन मिलेगा और आपको उसको ट्रांसफॉर्म करके उसका इनवर्स करके इसमें कन्वर्ट करना है टी में। जैसा कि आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, फाइंड द इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ, क्या दिया है फंक्शन आपको, लॉग का क्वेश्चन है, बहुत आईएमपी है। लॉग ब्रैकेट बनाया, एस डॉट एस प्लस वन डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस फोर। जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये हमको एक लॉग का फंक्शन दिया है, इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म। इसको हम क्या करेंगे, अभी आपको दिख रहा है, देखिए आप लॉग को बहुत पहले से जानते हो, बहुत छोटी क्लासेस से आपने लॉग के फॉर्मूले सीखे होंगे। तो जब भी कभी लॉग का फंक्शन आता है किसी भी इक्वेशन में या किसी भी टॉपिक में, तो आपको उसको पहले लॉग के फॉर्मूले से सॉल्व करना पड़ता है। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखिए, अगर हम ऊपर वाले पार्ट की बात करें, यहाँ से देखिए यहाँ तक, तो लॉग एम डॉट लॉग एम है ना, मतलब एक साथ कहीं ना कहीं दो लॉग के क्वेश्चन का, दो लॉग के फॉर्मूले का कॉम्बिनेशन दिख रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमेशा याद रखना जब भी कोई क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं गिवन से शुरुआत की जाती है, सबसे पहले हमने लिखा गिवन। अब आपको ये देखिए फंक्शन में आपको टी कहीं दिख रहा है, नहीं, फंक्शन में क्या दिख रहा है, लॉग के अलावा एस। तो हम क्या लेंगे, गिवन फंक्शन ऑफ एस। ठीक है, सेम फंक्शन उतारा, उसको नाम दिया इक्वेशन नंबर वन। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें इनवर्स लगाने से पहले हमें इसके लॉग के फॉर्मूले की हेल्प लेनी है। तो मैंने आपको जैसे ही बताया कि मुझे यहाँ पर लॉग के दो फॉर्मूले दिख रहे हैं, लॉग एम डॉट एन अपॉन लॉग एम अपॉन एन। तो याद रखना जब भी मैथ्स में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें, उसमें जो भी फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, सबसे पहले आपको उनको लिखना है। सबसे पहले मैंने लॉग एम डॉट एन का फॉर्मूला लिखा, क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड क्या होता है, लॉग एम अपॉन एन का जनरल फॉर्मूला होता है लॉग एम माइनस लॉग एन। तब हमें क्या करना है कि ये मिक्स क्वेश्चन में ये दोनों फॉर्मूले एक साथ लगाना, तो पहले क्या लगाएंगे, ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया लॉग एस प्लस लॉग एस प्लस वन, ये हो गया लॉग एम प्लस एन, माइनस का लॉग एम माइनस का लॉग एन। तो मैंने क्या कर दिया, इसमें लगा दिया एम प्लस एन का फॉर्मूला और सेकेंड वाले पार्ट में लगा दिया एम अपॉन एन का फॉर्मूला। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर टू। अब आपको दिख रहा है ये फंक्शन किसके इक्वल चल रहा है, एफ ऑफ एस के। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हमने लॉग के दोनों फॉर्मूले ओपन कर लिए, इक्वेशन वन को इक्वेशन टू में चेंज कर लिया, अब हम इक्वेशन टू को दोनों साइड विथ रिस्पेक्ट टू एस क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो कैसे करेंगे अपन, डिफ्रेंशिएट हमको बहुत पहले से आता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एस के आगे क्या लग जाएगा, डी अपॉन डी एस। ठीक है, और राइट हैंड साइड में जितने भी पार्ट है, एक दो तीन, तीनों पार्ट को एस के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट। तो वी नो दैट कि लॉग टी का डिफरेंशियल होता है वन अपॉन टी, तो वही सेम हो गया, लॉग एस का डिफरेंशियल हो गया वन अपॉन एस। सिमिलरली अगेन लॉग टी का डिफरेंशियल होता है वन अपॉन टी, तो ये हो गया सेकेंड पार्ट का वन अपॉन एस प्लस वन माइनस। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आपको पता है कि टी मान किया होगा हमने, एस स्क्वायर प्लस फोर को टी मानेंगे। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कैसे करेंगे, यहाँ पर एस स्क्वायर प्लस फोर को टी की लिखा। ठीक है, डिफरेंशिएट बोथ साइड, एस स्क्वायर का हो गया टू एस, एस का हो गया डी एस, फोर आपका कॉन्स्टेंट है जीरो हो गया, टी का हो गया डी टी। ठीक है, यहाँ से कितना आ गया आपका, यहाँ से आ गया आपका डी एस का आंसर आ गया आपका डी एस इज इक्वल टू डी टी अपॉन टू एस। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिफरेंशियल। यहाँ पर डिफरेंशियल क्या हो जाएगा आपका, एस स्क्वायर प्लस फोर का टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर। अब जैसे हमने इसको डिफरेंशिएट किया, इसका नाम दिया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हमें क्या करना है, अब ध्यान से देखिए, अब ये जो है, ये जो आपको लेफ्ट हैंड साइड दिखाई दे रहा है, ये किसी प्रॉपर्टीज का इनकम्प्लीट सा पार्ट दिख रहा है। मतलब मैंने आपको पहले कहा था कि इनवर्स के अंदर लैपलास की प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में यूज हो जाएगी। तो जैसे ही आप डिफरेंशिएट करके इक्वेशन नंबर थर्ड बनाओगे, आप देखोगे कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टीज का इनकम्प्लीट सा पार्ट दिख रहा है। ठीक है, हम क्या करेंगे, वी नो दैट, इसको यही स्टॉप किया। अब मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टीज का जनरल फॉर्मूला उतारेंगे और देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन कैसे उस प्रॉपर्टीज के अंदर फिट हो रहा है, हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम इस पार्ट को देखें, तो ये मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टीज का राइट हैंड साइड है, मतलब पूरा नहीं, पर मैंने कहा 90% आपको मैच मिलेगा। तो सबसे पहले हमने मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टीज उतारी, वी नो दैट एल टी डॉट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस वन डी अपॉन डी एस एफ ऑफ एस। अब आप देखिए यहाँ से,
ये डी अपॉन डी है, तो एफ ऑफ एस हम पहले ही बना चुके हैं अपने फंक्शन को डिफरेंशिएट करके, तो हमने मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज उतारी। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज के राइट हैंड साइड में ये डी अपॉन डी एस एफ ऑफ एस की जगह पे अपनी इक्वेशन नंबर थर्ड का आंसर रखेंगे। मतलब इसको ऐसे ही रखना है, इसके राइट हैंड साइड में जो आपने इक्वेशन नंबर थर्ड बनाई थी उसको अपन को सेट करना है। तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड हमने एज इट इज वैसे ही उतारा, माइनस वन भी हमने ऐसे रखा, डी अपॉन डी एस इंटू एफ ऑफ एस की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, ये राइट हैंड साइड वन अपॉन एस प्लस वन अपॉन एस प्लस वन माइनस टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर। ठीक है, तो हमने इसको उतार लिया एज इट इज। अब क्या करेंगे, अब देखिए किसी भी फंक्शन के आगे अगर माइनस लगाओ, मतलब अगर हम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर के पूरे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो जो पॉजिटिव था वो निगेटिव हो जाएगा, जो निगेटिव है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो आपका देखना कि वन अपॉन एस हो गया आपका निगेटिव, तो मैंने पलट के लिख लिया कि टू एस अपॉन एस स्क्वायर फोर जो आपका माइनस में था वो हो गया प्लस। मतलब पूरी तीनों वैल्यू आपकी इंटरचेंज हो जाएगी, जैसे ही आपने माइनस वन का मल्टीप्लाई किया आपकी एक और नई इक्वेशन में। अब हम क्या करेंगे, एल ध्यान से देखिए, अब आपके लेफ्ट हैंड साइड में एल है, मैं चाहती हूँ कि एल यहाँ से हट जाए। अगर हम याद रखना, आपने सीखा होगा अगर हम किसी के मल्टीप्लाई की चीज़ को शिफ्ट करते हैं राइट हैंड साइड में तो वो इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो एल है, जैसे हम इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, एल इन्वर्स। तो यहाँ क्या बचेगा, लेफ्ट हैंड साइड में टी डॉट एफ ऑफ टी, एल इन्वर्स आपके राइट हैंड साइड के पार्ट। ठीक है, तो ये टी एफ ऑफ टी एल इन्वर्स, मैंने आपको बताया कि टू आपका कॉन्स्टेंट है और एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर का इन्वर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म होता है कॉस टू टी, वन अपॉन एस का इन्वर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म होता है वन, और वन अपॉन एस प्लस वन का इन्वर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म होता है ई की पावर माइनस टू। तो हमने एल इन्वर्स तीनों पार्ट में लगा लिया, ये तीनों का हमने इन्वर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म का आंसर लिख लिया। अब हमें एक लास्ट काम करना है, वी नो दैट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एल इनवर्स एफ ऑफ एस, क्योंकि हमने आपको पहले कहा था कि इनवर्स में एस में क्वेश्चन दिया रहता है और लास्ट में उसको सॉल्व करके टी में कन्वर्ट करना होता है, तो हमको यहाँ से एफ ऑफ टी को हटाना है। तो वी नो दैट बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एल इनवर्स एफ ऑफ एस। राइट हैंड साइड को अपन एज इट इज उतारेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये जो आप ध्यान से देखिए, हमने क्या फाइंड कर लिया, गिवन फंक्शन का इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म। ये आपका एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म का, आई विश आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है अगर कभी भी लॉग के क्वेश्चन दिए जाए तो लॉग के अंदर डायरेक्ट कोई चीज़ अप्लाई करने से पहले आपको लॉग के फॉर्मूले से उसको ईजी करना है। जैसे ही आप सिंपल कर लेंगे तो आप उसके अंदर प्रॉपर्टीज यूज़ करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टीज यूज़ करनी होगी, हमेशा मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टीज को यूज़ करेंगे, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके अंदर इन्वर्स लगाएंगे, लास्ट में आप देखेंगे हमको एस में क्वेश्चन दिया था और हमने उसको टी में बदल दिया। यही कहलाता है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बदलना, कि अगर हमने आपको एस में क्वेश्चन दिया तो आप उसको टी में ट्रांसफर करिए, अगर हमने आपको टी में क्वेश्चन दिया तो आप उसको एस में ट्रांसफर कीजिए। ये हो गया हमारा इन्वर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म का बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन कंप्लीट। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप इनको घर पर प्रैक्टिस करते रहिए। आपको कभी भी लगता है कि कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप एनी टाइम मुझे कॉल या मैसेज करके किसी भी क्वेश्चन के बारे में डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई विश आप घर पर हेल्दी रहें, प्लीज सेव एंड हेल्दी। थैंक यू।